विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, लग्न में यदि सूर्य महाराज जी बैठ जाएं, तो क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह से रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके स्वामी बुध महाराज हैं। लग्न में यदि सूर्य महाराज जी विराजित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो रहता है, यदि स्वास्थ्य के लेके हम बात करें, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा ही रहता है। कभी काल इनको इन्फेक्शन वगैरह का छोटा मोटा रोग सता सकता है, भारी भरकम इनको रोग जल्दी नहीं परेशान करता है। सूर्य महाराज की होने की वजह से इनकी शारीरिक सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मान सम्मान में, वैभव में, संपदा में, लग्न में होने की वजह से इनकी हर जगह से वाहवाही होती है। यदि ये दूसरा भाव इनका देखा जाए, बिजनेस का क्षेत्र देखा जाए, तो बिजनेस में, व्यापार में इनको कभी भी कोई तकलीफ झेलने को नहीं पड़ती है। जितना दिन तक ये बिजनेस करते हैं, हमेशा सफल ही होते हैं। सफलता को लेके इनके अंदर कोई कमी नहीं आती है। उत्साह इनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जो उत्साही होते हैं, नए कार्य करने के लिए ये जाने जाते हैं। कोई पोएट्री लिखना हो, निबंध लिखना हो, बात करने की कला हो, या नए सिरे से कुछ नया काम करना हो, उसमें ये अपने आप को सबसे फ्रंट पे रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। कभी कभी उसके वजह से इनको कलंक का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हर जगह बात करते रहते हैं, हर जगह बोलते रहते हैं। बात करने की कला इतनी ज़्यादा है कि इनको बिना बात किए हुए रोकना निश्चित ही आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा। अपने वाणी पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल ही निश्चित ही कला है, लेकिन सूर्य की प्रवृत्ति है कि उसके अंदर जो भी जाता है जल जाता है। तो वाणी आपकी सूर्य है, थोड़ा तेज है वाणी, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। इसके लिए सूर्य को शांत करना थोड़ा सा जरूरी है। साथ ही साथ यदि आपकी शिक्षा देखी जाए, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जिसका लग्न में सूर्य रहता है, उनके अंदर बात करने की कला होती है। पार्टनर को लेके आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना नहीं आएगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको परेशान निश्चित ही करेगा। आप अपने पार्टनर को कभी परेशान नहीं करोगे बिजनेस व्यापार में, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर ईर्ष्या करेगा, शक करेगा, आपको परेशान करेगा। यहाँ तक जो आपके पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, तो जो आपके सगे संबंधी हैं वो भी आपका फायदा उठाएंगे। आपके वजह से आपके कुटुंब जो हैं, आपके भाई बहन, वो भी आपके बिजनेस का आपके वजह से लाभ उठाएंगे। वो भी बड़े आदमी आपके ही वजह से बनेंगे। आपकी जो भावना है मदद करने की, ये निश्चित ही दूसरों को सहारा देती है। और जो आप ये सोच के दान करते हो कि मैंने तो कर दिया, अब उसका कर्म वो जाने, इसके वजह से कई लोगों को आपके वजह से फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ यदि देखा जाए, तो जो सूर्य की सातवीं दृष्टि है वो गुरु के ऊपर पड़ रही है, भाग्य के ऊपर पड़ रही है। यहाँ से आपका जो व्यवसाय है वो निश्चित ही बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो सातवीं दृष्टि रहती है वो मित्र की रहती है। तो आपके बिजनेस में, व्यापार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने की मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका जीवन साथी आपसे कम खूबसूरत रहेगा, आप उससे ज़्यादा खूबसूरत रहोगे। यदि आप स्त्री हैं, तो आपका जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादा सुंदर रहेगा, आपके अपेक्षा उनकी सुंदरता आपके पति की ज़्यादा ही रहने वाली है। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई मतभेद आपके और आपके पत्नी के बीच में नहीं रहेगा, या आपके पार्टनर के बीच में आपके वजह से कभी भी कोई गलती नहीं आएगी। स्फूर्ति के मामले में देखा जाए, फुर्ती के मामले में देखा जाए, तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहने वाले हो। तो बिजनेस व्यापार में आप सक्सेस हो, दाम्पत्य जीवन में आप सक्सेस हो,
पार्टनर को लेके थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं, वाणी को लेके थोड़ी सी तकलीफें आपको आ सकती हैं, इसलिए आपको सूर्य को थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य का जो सबसे प्यारा मंत्र है आपको उसका जाप करना चाहिए, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रतो अस्मि दिवाकरम। साथ ही साथ ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रविवार के दिन यदि आप नमक खाना बंद कर देते हैं, इससे भी आपके कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हर दिन सुबह सुबह नहा के सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए, इससे भी आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। सूर्य को अर्घ देते समय जल में गुड़ या चावल या लाल फूल डाल के फिर सूर्य को अर्घ दीजिएगा, इससे आपकी कुंडली के सूर्य जो हैं मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।